आपके लिए एक सरप्राइज है। आप लोग प्लीज ये ध्यान में रखो और जब करने जाओगे चेंज ऑयल तो ये बात उनको बताना। इसको देख, ये डेकोरेशन पूरा। तो अभी जा रहा हूँ मैं हेलमेट लेने के लिए, इतना टाइम हो गया डेकोरेशन कर करके भाई। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सबको मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस है लेकिन आई गेस आप लोग जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक दिवाली आ चुकी होगी या कोई ना कोई अलग दिन होगा। अभी मैं जा रहा हूँ अपने एक दो काम निपटाने के लिए। मैं सोच रहा था कि अपनी बाइक को हम लोगों ने इतने किलोमीटर चला लिए तो अब थोड़ा एक ओनर्स रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि अभी 1940 किलोमीटर तो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर चला लिया हमने बाइक, तो इतना तो है कि हम बता सकते हैं अपने बाइक के बारे में, हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, हमें बाइक में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। हमेशा से बताते आया हूँ लेकिन एक ही वीडियो में अगर सारी की सारी चीज़ें बताऊँ तो आसानी होगी न्यू व्यूवर्स को भी और हमारे जो पुरानी हमारी फैमिली हमारी प्यारी सी कम्यूनिटी जो है उनके लिए भी। सबसे पहले तो मुझे एक दो चीज़ें करने में टेढ़ा क्यों लग रहा है। तो सबसे पहले मुझे इसका ये देखो ये हॉर्न, एक साइड का चालू है एक साइड का बंद हो गया। मैंने ये सिराज को मतलब जो हमारा मैकेनिक है उसको बोला था कि मेरे पैनल से ज़्यादा चिपका के मत रखना। आप लोग भी याद रखना गाइस, हॉर्न को कभी भी किसी पैनल से चिपका के मत रखना। वो ज़्यादा वाइब्रेशन भी देगा तो भी बंद हो सकता है, या वो चिपकने के साथ पूरा वाइब्रेशन अपने ऊपर लेके पीछे का जो उसका प्लग हुआ रहता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको वायर, उसको भी लूज़ कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपन ने पैनल के नीचे रखा हुआ है हॉर्न, तो खुद मैन्युअली तो ये कर नहीं सकते, तो पूरा खोलना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, वो पैनल खोलने के साथ मेरे सीट के नीचे जो छोटा सा ब्लैक कलर का पैनल आता है ये वाला, वो भी ढीला हो चुका है तो हमें उसे भी टाइट करवाना है। तीसरी बात, आपके लिए एक सरप्राइज़ है, मैंने हमारी नंबर प्लेट बदल दी है और हमारी नंबर प्लेट का जो लुक है आप लोग देख के खुश हो जाओगे। बहुत से ज्ञान देने वाले लोग बताएंगे कि ये इल्लीगल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। भाई अगर इल्लीगल की बात आप कर रहे हो ना तो ये एग्जॉस्ट वेग्जॉस्ट सारी चीज़ें इल्लीगल है एक हिसाब से, तो फिर वो भी मत बोलो कि एग्जॉस्ट लगाओ, वो भी तो इल्लीगल है। एक छोटी सी नंबर प्लेट बदलने में क्या तकलीफ है, नंबर तो वही है, दिखता पढ़ता तो वही है, अलग लैंग्वेज में नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ उसका लुक चेंज किया है मैंने। सो यार हेटर्स गोना हेट, अपने को उसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो प्यार मिलता है ना आप लोगों से वही काफ़ी है, मतलब 100 गुना में से 99% मुझे प्यार मिलता है, और अगर 1% हेट मिलता है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। इग्नोर करो आगे बढ़ो, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हज़ार। बाकी यार दिवाली का टाइम है, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है घर के काम में भी, यहाँ वहाँ जो भी। कल भी मैं गया था शॉपिंग करने के लिए और मैंने कुछ शर्ट्स लिए, उसकी भी आप इमेजेस देख लो, आपका भाई कैसा दिख रहा है उसमें, सूट हो रहे या नहीं वो भी कमेंट करना। सेफ्टी को लेके मेरे को एक दो चीज़ें दिखानी है, तो सेफ्टी का मतलब ये है कि आपका जो ये डिस्प्ले है ना यहाँ पे क्रैक हो सकता है, वो किस वजह से मैं आपको दिखाता हूँ किस वजह से। अगर आप अपना मतलब कभी भी पेट्रोल भरने के लिए जाते हो और टैंक खोलते हो और हैंडल को घुमाते हो ना तो डिस्प्ले जो है वो इसको लगता है। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो, या फिर अगर अभी मैं सिराज के यहाँ पे रुकूंगा ना तो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ओ भाई उड़ रही है गाड़ी, उड़ रही है, बिना रेडबुल पिए माय बाइक गॉट विंग्स। और दूसरी बात, यूज़र मैनुअल अपडेट हो चुका है, ओनर्स मैनुअल यूज़र मैनुअल जो बोलते हो, तो वो आप अपडेट करके चेक कर सकते हो। मुझे आज एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि उसकी बाइक में अलग ऑयल डाला था, मुझे आज एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि उसकी बाइक में अलग ऑयल डाला हुआ है और यूज़र मैनुअल में अलग ऑयल लिखा हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ ये ध्यान में रखो और जब करने जाओगे चेंज ऑयल तो ये बात उनको बताना कि भाई अगर आपने ये वाला ऑयल लिखा है तो दूसरा ऑयल क्यों डाल रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने मेरे इंस्टाग्राम के फीड पे भी डाली हुई है,
तो जो लोगों ने फॉलो नहीं किया जाके फटाफट वहाँ पे फॉलो कर दो, सारी अपडेट्स वहाँ पे होती रहती है अपनी लाइव। किधर है ये तो सब मेरा ही कॉपी कर रहा है जो तुमने मेरी गाड़ी में लगवाया था। हैं छोटे, ये देख सुन, ये देख एक साइड का सुर बंद हो गया इसका, वो सुर तो छोड़ दे, ये देख इसको देख, और दूसरा ये देख, क्या क्या है भाई, वो नहीं ये पूरा ढीला है पीछे से, है ना। हाँ तो वो टाइट करना। तो गाइस ये देखो हमार नंबर प्लेट कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, इसकी एक रील बनेगी मस्त वाली। अभी थोड़ी हिल रही है, टाइट करवाएंगे, ये भी हिल रहा है, टाइट करवाएंगे। तो जो मैं बोल रहा था कि पेट्रोल भरने के टाइम पे, वो ये, अगर आप इसको ऐसे खोलते हो ठीक है, और इसको अगर आप ऐसे टेढ़ा करते हो, ये दिख रहा है, ये उसको लग रहा है ये, तो अगर ये ज़्यादा ऊपर रहेगा ना तो इसको क्रैक कर सकता है। ज़्यादा टाइम तक टैंक खुला रखना नहीं अच्छी बात नहीं होती। वो प्लेट पड़े जो तेरा वाला डिजाइन था ना, कंपनी में देना पड़ा क्यों, यहां पे लोहे का पट्टी आ गया ऐसा, ये लग बैठेगा ना तो यहां पे बोल्ट टाइट होगा, पट्टी ऐसा बेंड रहे, एल पट्टी रहेगा ऐसा, मैं जाकर बैठेगा, टूट गया क्या वो, कंपनी वाले ने ना, एक बंदे ने उसको पूछा था कि अरे ये ढीला क्यों है, तो दूसरा कंपनी वाला बोलता नहीं वो ढीला ही रखा है। वो कहने हो हां, अपने ऐसे पट्टी आता है हां, वो ढीला हो कि ना वो गिर गया है, अच्छा इसलिए वो हिल रहा है, बाकी उसके बीच में स्क्रू है नहीं, ठीक है, पट्टी आएगा बोल्ट आता है, पावर आ रहा है उधर का, ओके, इसमें जो अपना था लाइट छोटा वाला, हां कंपनी वाला, हां वो इसमें लग जाता है, इसके लिए वो खाली है। क्योंकि कितने लोगों ने बताया ना, तो उनकी बाइक में सिर्फ दो ही प्लग था और अपना सिमटेक का चार प्लग था, तो बोलते कलर मैच कहाँ से करो जब हमारे में प्लग ही नहीं है। तो मैं बोला भाई मेरा भी वही मॉडल है, सिमटेक का मॉडल का फ़ोटो भी दे दिया, अभी क्या मैं बताऊँ। और तो चलो हो गया अपना, साइड स्टैंड ऊपर ले लो, वापस चालू हो गया हॉर्न, पीछे का टेल लाइट भी टाइट कर लिया। कैसी लगी टेल लाइट आपको हमें कमेंट पर बताइए। तो भी एक फ़ोटो वापस डाल देता हूँ टेल लाइट का, आप देख लो। अगर सिनेमैटिक इसकी देखनी है टेल टैडी के साथ, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो आने वाला है, थोड़ा बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, आज आएगा आपके लिए एक्सक्लूसिव। तब तक अब हम घर पे जाएंगे, भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद एक चीज़ जो मुझे लेनी है बहुत समय से हमने ली नहीं है, वो लेने जाएंगे। आशा करिए कि इस बार मैं ले लूँ। एक्चुअली बात ये हो रही है ना कि मेरे को जो लेना है ना, वो वाला हेलमेट किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है, और अवेलेबल नहीं होने की वजह से मैं कहीं और जाके लेने का नहीं सोच रहा, क्योंकि अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर उसके पार्ट अवेलेबिलिटी की भी टेंशन होगी। और आज जब मैंने कॉल करके किसी को पूछा कि ये हेलमेट आपके पास है क्या एक दुकान में, तो उन्होंने बोला कि आप बोलो तो हम ऑर्डर करके मंगा लेंगे, बट उन्होंने बिलमोला का स्टॉक आने वाला है ऐसा बताया, और बिलमोला वॉज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट हेलमेट्स जिसमें ड्रैगन बॉल जी एडिशन होते, तो अगर वो ड्रैगन बॉल जी एडिशन मंगा के दे देंगे तो हम वही ले लेंगे। फिर दिक्कत ये है कि यार ड्रैगन बॉल जी एडिशन को मैं रोज़ रेगुलर यूज़ में पहन के चलूँ तो वो मज़ा नहीं आएगा, तो यार क्या करूँ, मैं पूरी दुविधा में फंसा हूँ। एक रेगुलर हेलमेट लेने में इतना तकलीफ़ आ रहा है, राइडिंग का हेलमेट लेने में जितना मैंने सोचा नहीं उतना रेगुलर में सोच रहा हूँ। सोच इसीलिए रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरी ब्लॉगिंग ये डे टू डे लाइफ में रेगुलर टाइम में हो रहा है, तो वो रेगुलर हेलमेट में होगा, तो मुझे उसकी कुशनिंग, उसका सब सेटअप वेटअप सही होना चाहिए, माइक का, GoPro का, इसीलिए वो सब सोच सोच के ले रहा हूँ। तो इसीलिए मैं घाई नहीं कर रहा हूँ, आई टेक माई टाइम, आई गो फॉर इट, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा नाचूंगा गाऊंगा, उसके बाद हेलमेट लूँगा और क्या। तो ये जो पैनल है आप लोग भी ध्यान रखना, ये पैनल के पीछे एक छोटा सा क्लिप आता है जो गाड़ी के चेसी में लगा हुआ रहता है, लेकिन वो टाइम बीइंग मेरा टूट गया। अब क्यों टूटा पता नहीं, शायद वाइब्रेशन ही उसका कारण होगा, और तो कुछ किया नहीं हमने वहाँ पे काला कांडी। तो आप भी सोचिए आपकी बाइक में भी ये हो सकता है, तो संभालना वहाँ पे, और चेक कीजिए जिनके पास ऑलरेडी ये बाइक है कि अगर उनका ये राइट वाला ब्लैक कलर का जो पैनल है सीट के नीचे अगर वो लूज़ हो गया है, तो प्लीज़ जाओ कंपनी में दिखाओ, हमारी बाइक में दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। अब हम घर जाएंगे, थोड़ा खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाने के बाद मम्मी को थोड़ा हेल्प कराएंगे डेकोरेशन में, मेरे ऊपर के रूम में भी डेकोरेशन करना है, टाइम मिला तो खुद के लिए भी थोड़ा हेलमेट वेलमेट देखने जाएंगे। ये डेकोरेशन पूरा
करना है अभी, नीचे के रूम में भी किया है, कर लिया है, अभी ऊपर के रूम का बाकी है। तो अभी जा रहा हूँ मैं हेलमेट लेने के लिए, इतना टाइम हो गया डेकोरेशन कर करके भाई, शाम के 7:15 बज गए, अब जाके हमें खुद के लिए टाइम मिला है। देख रहे हो मुंबई के ट्रैफिक, उसमें ऐसा हॉर्न काम आता ही आता है। अब दिवाली है, मतलब त्यौहार के टाइम पे तो भाई ट्रैफिक अपरंपार बढ़ जाता है यहाँ पे। सो आ गए हैं हम लोग हेलमेट के शॉप में, जस्ट 200 मीटर्स या 100 मीटर्स अवे। भाई ये इतना गंदा ट्रैफिक ना, वहाँ से लेके यहाँ तक मुझे नड़ा है, 4 किलोमीटर होगा मेरे घर से ही है। लेकिन भाई भाई भाई, अब सामने के रोड पे पार्क भी करना है, और यहाँ पे देख रहे हो कैसे क्या होगा, देखते हैं। अब पहली बात तो टर्न मारना ही नहीं मिलेगा। हेलमेट कौन सा ले, अभी अंदर शायद मेरे को शूट करने मिले ना मिले, तो सिर्फ बाइक पार्क करके हेलमेट सिलेक्ट करके उसके बाद जो डिसाइड करता हूँ वो अगर आपको दिखाऊँगा, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो कुछ नहीं। ये रहा शॉप।